दिगरा शहर में गुरुवार को जुना बस स्टैंड सहित घंटी बाबा परिसर में अतिक्रमण हटा गया। नगर पालिका प्रशासन ने तहसील के राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन को साथ लेकर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पेश है संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। जूना बस स्टैंड परिसर और घंटी बाबा परिसर, इन दोनों इलाकों में जिन दुकान मालिकों ने अवैध रूप से कब्जा जमाया था उन्हें पहले नोटिस जारी कर अपनी अपनी दुकानें हटाने की सूचना दी गई थी। इसके अलावा पूर्व में भी दवंडी यानी मुनादी पीट कर अर्थात अनाउंसमेंट के माध्यम से अतिक्रमण धारकों को सूचित किया गया था, लेकिन अतिक्रमण धारकों ने इस सूचना को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस आशय की जानकारी दिग्रस नगर पालिका के मुख्याधिकारी ज्ञानेश सोनावने ने इन बीसीएन को दी है। दिग्रस नगर पालिकेच्या अंतर्गत ज्या नागरिकांनी सार्वजनिक रस्त्यावर, नालीवर तसेच नगर पालिकेच्या आरक्षित जागेवर ज्या ज्या नागरिकांनी अतिक्रमण केलेलं होतं ते काढण्याची सूचना या अगोदर जाहीर दवंडीद्वारे तसेच त्यांना वैयक्तिक नोटीस दिलेल्या होत्या, परंतु अद्यापपर्यंत त्यांनी कुठलीही कार्यवाही अतिक्रमण काढण्याबाबत केलेली नव्हती। त्यामुळे आज दिनांक 24 ऑगस्ट 2023 रोजी नगरपालिका, पोलीस प्रशासन, महसूल विभाग आणि एमसीबी विभाग यांचे संयुक्त मोहीम राबवून आपण जुन्या बसस्टॉप या परिसराबाबाच्या परिसरातील अतिक्रमण मोहीम आज करण्यात येत आहे। याद्वारे नागरिकांना परत आवाहन करतो की ज्या ज्या नागरिकांनी सार्वजनिक रस्त्यावर, नालीवर तसेच नगरपालिकेच्या जागेवर अतिक्रमण केलं असेल त्यांनी याद्वारे तात्काळ अतिक्रमण काढून घ्यावे। एक तरफ इस कार्रवाई से कथित रूप से जो अतिक्रमण धारक है उनमें रोष व्याप्त है, क्योंकि जूना बस स्टैंड परिसर और घंटी बाबा परिसर में उनकी दुकानें उनके रोजगार का साधन थी। ऐसे में इस कार्रवाई से उनकी उपजीविका का एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ पालिका प्रशासन अतिक्रमण हटाए जाने की इस कार्रवाई को कानून के दायरे में की गई प्रशासकीय कार्रवाई बता रहा है। वहीं नगर पालिका के मुख्याधिकारी ज्ञानेश सोनावने ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में जिन लोगों द्वारा नगर पालिका के तहत आने वाले रास्तों पर, सार्वजनिक जगह या खुली जगहों पर अतिक्रमण किया जाएगा तो समय समय पर संबंधित अतिक्रमण धारकों का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जिन जगहों पर अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की गई है वहां कहीं पर संकुल बनाया जा रहा है तो कहीं सांस्कृतिक भवन तामीर किया जा रहा है तो कहीं सब्जी मंडी बनाने का प्रस्ताव भी सुनने मिल रहा है। ऐसे में जो अतिक्रमण धारक है उनके रोजगार विस्थापन का अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं किया गया है, जिस वजह से अतिक्रमण धारक हताश है। उनके लिए अगर स्थानीय विधायक या पालक मंत्री कोई समाधान ढूंढते तो अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई कानूनी नियम कायदों के पालन के साथ ही सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी के निर्वहन की मिसाल बनकर रह जाती, लेकिन अफसोस कि ये हो न सका। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।